हाय व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पीआईडीसी पे। हम कोई चाय पीने नहीं आए हैं पीआईडीसी की। इस वक्त आपको दिखा रहे होंगे, गुज़िश्ता बारिशों की वजह से पीआईडीसी से सीएम हाउस जाने वाला जियाउद्दीन अहमद रोड जो है उसमें एक गड़ा पड़ा जिसमें एक बाइक भी गिरी। लेकिन अब उसे जब बैटली खोदा गया है तो अगर हम मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये पूरा बैट है, ये पानी ही पानी है। इसमें ये लाइंस जो है वो कोई 60s पुरानी जो लाइन है कि 60s में डली थी 72 इंच की, वो बिल्कुल चौक हो चुकी है, फट गई है गैसेस की वजह से। और उसके बाद जो है वो आज इसमें मरम्मती काम चल रहा है और ये पूरी लाइन जो है वो चेंज की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की लाइट्स भी मुतासर हो रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है ज़ेर ज़मीन वो भी मुतासर हुआ है। तो सारा काम अभी चल रहा है और मैं आपको दिखाऊंगी, चेयरमैन साहब से थोड़ी सी बात करवाऊंगी और देखते हैं कि वो इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं और यहाँ से मुंसलिक कौन कौन से एरिया हैं जो इस लाइन की वजह से मुतासर हो रहे थे। आज यहाँ गड़ा पड़ा तो इस लाइन का पता चल गया और 72 इंच की ये लाइन जो है वो दोबारा रिप्लेस की जा रही है। 72 इंच की लाइन से अगर हम थोड़ा सा दिखाएं तो ये पाइप्स यहाँ रखे हुए हैं और ये काम जो है वो 4 से 5 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, उनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन से और इलाका वाइज जो लोग हैं, अहदेदार हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, उनसे भी, और आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले पे और यहाँ से जो गुजरने वाला रास्ता है वो ट्रैफिक के लिए कब तक खुल सकता है। फिर चलते हैं और देखते हैं। गैसेस इसमें इशू बनती है? जी बिल्कुल, गैस होती है इसमें, बहुत खतरनाक गैस होती है, गैसेज होती हैं इसके अंदर, बिल्कुल है। लेकिन हम जब अपने इन बड़ी लाइनों में अपनी लेबर को उतारते हैं तो उनको फिर प्रोटेक्ट करके उतारते हैं। अब आप समझते हैं कि ये नई लाइंस जल जाएंगी तो कौन कौन से इलाके बेहतर हो जाएंगे और ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो निज़ाम धरम भरम हुआ है, ये जो 20 खराब हुआ है इसको हम जो बदल रहे हैं, ये आपका खरादर पूरा, आपका एम ए जिना रोड से राइट साइड पूरी यहाँ तक सदर तक, कराची कैंटोनमेंट, जिना हॉस्पिटल, सब पानी यहीं आता है। तो ये अगर लग जाती है, नई लाइंस लग जाती है तो आप समझते हैं कि ये मामला सेटल्ड बहुत हद तक हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहेगी कि जब पानी रुकेगा तो कई छोटी लाइनें बंद होंगी, जब ये खुल जाएगा तो फिर हम उन छोटी लाइनों पे काम करेंगे। सर, जैसे आपके काम को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप ऑन द स्पॉट आज मौजूद हैं, कल गड़ा हुआ, आज आप ऑन स्पॉट खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा शिकवा भी करूँगी कि मैं खुद भी फील्ड में काम कर रही हूँ और मुझे खुद भी पर्सनली अपनी रिहाइश के पास भी बहुत मसला हो रहा है और कोई वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मुझे जवाब नहीं दे रहा मेरे इलाके का। मैं खुद ओल्ड सिटी एरिया की हूँ, खारादर की, और वहाँ मुझे जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं किसी को फ़ोन करती हूँ पर्सनली चैनल के उससे तो वो मेरा फ़ोन उठा के मुझे देखिए मेरा फ़ोन उठा के भी मुझे सिर्फ टोपियां करवा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनको आप थोड़ी सी इधर देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुन, देखें हमारा स्टाफ ओवरलोडेड है, बहुत उनके ऊपर प्रेशर है। हम पे प्रेशर था जिना हॉस्पिटल का कि जिना हॉस्पिटल में पानी घुस गया था वो निकालो, वो वाकई प्रायोरिटी थी कि जिना हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, कार्डियो भर गया था उसको निकालना। अब इसमें बीच में यहाँ पे कराची कंटोनमेंट है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कराची कंटोनमेंट कि वो अपने इलाके से वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनका भी सारा लोड हम ही उठा रहे हैं। कराची कैंटोनमेंट आपको पता है, प्रेस क्लब और इधर, ये कराची कैंटोनमेंट है, वहाँ आपको नजर नहीं आएगा कराची कैंटोनमेंट, उनका सारा लोड हम उठा रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन हम इंशाल्लाह 5-6 दिन में इसको कवर करेंगे। पर्सनल ऑन बारिश ना आए इंशाल्लाह, पर्सनल ऑन माय चैनल आप ये खारादर के जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अहदेदार हैं उनको कह सकते हैं कि ये काम जो है वो मुकम्मल कराएं, क्योंकि काफी ये खारादर की शिकायत कर रही है, ये खारादर के एक्सीएम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे शायद बात हुई होगी सोनिया खान दादा। जी जी जी, आपने मैं शिकायत कर रही हूँ कि मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया आज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्पॉट पे मौजूद हैं, लेकिन मैं ये शिकायत कर रही हूँ कि आप मेरा फोन तक नहीं उठाते। नहीं नहीं, मैं तो दिन रात पता है कितने फोन आते हैं, किस किस का फोन, दिन रात में एक फोन मेरा आपका, नहीं आपका सेव कर लिया था मैंने, फिर उठाया मैंने आपका, ये 2-3 दफा बात किया। That's really good. नदीम भाई मुझे ये बताएं कि खारादर का क्या मसला है जो हल नहीं हो रहा, क्योंकि मच्छी मियानी मार्केट आपने देखी होगी। मैंने देखा है वहाँ पे पाइप भी चेंज कर रहे हैं नजमी भाई के कहने पे, वहाँ पे पाइप भी ले कर दिए हैं, बारिश की वजह से नहीं कर सके। मैं नजमी भाई से बात कर लूँ या आपसे बात कर लूँ, मुझे बताएं। आपसे कर लें, असल में मैं बताऊँ ना, ये बकरीद और बारिशें एक साथ आने की वजह से वहाँ सिस्टम इतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ अभी चल रहा है। वहाँ 12 इंच की लाइन है, 15 इंच की लाइन है, इससे बड़ा सिस्टम नहीं है। तो वो मिट्टी और बालू मिट्टी वगैरह जो गायें उसके लिए इस्तेमाल हुई है, सारा कचरा बारिशों में लोग ने ढक्कन उठा दिए,
सारा उस लाइनों में चला गया जिसकी वजह से इफेक्टेड हुई है सारी। बिल्कुल सर ने बताया। सर क्या वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी लाइंस नहीं डल सकती जैसे रिहायशगाह पे? क्यों नहीं डल सकती? देखिए ना कायदे आजम बर्थ प्लेस पे हमने काम किया, वो क्लियर हुआ। अभी हमने पिक्चर रोड नाले का एक पंप इमरजेंसी में किया है। अभी हमने कल परसों में इनके साथ वहाँ विजिट पे था हम, एक खारादर में जहाँ पे वो पुलिस चौकी है पीसी नेट, उसके पास मैं एक सम बनाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे खारादर का पानी आए और वहाँ से हम पहले कभी था भी वहाँ बीच में ना ये शहर के साथ में। यही तो जुलूम मैं बताता हूँ, वहाँ एक कुआं था अंग्रेज के दौर का, यू राइट, वो कुआं खा लिया गया। अब किसने खाया आई डोंट नो, वरना वो बहुत अच्छी चीज थी, पूरे खारादर का पानी उसमें आता था, वहां से आप पंप करते हैं। अब मैं ऐसी कोई चीज चौकी के साथ बनाना चाहता हूँ वो, लेकिन वो लारी साहबा कहती हैं ये आर्काइक है इसको ना छेड़ें, लेकिन मुझे अपने लोग अगर वहां बन गया ना, आप यकीन माने खारादर में पानी नहीं रुकेगा, वहां से हम वहां से निकाल देंगे। वहां तक बनाने के लिए कहां तक सुनवाई करवानी होगी? क्या आप ये समझा दें कि यहां पे आर्काइक या उस छोटी सी बिल्डिंग, मैं भी आर्काइक को याद रखना चाहता हूं अपनी, लेकिन मुझे जो लोग अभी रह रहे हैं इनकी प्रॉब्लम ज्यादा अजीज है। अगर वहां बन जाए मेरा सम, मुझे रोके कोई नहीं, मैं 3 महीने में सम बना के खड़ा कर दूं, अगली बारिश में खारादर में पानी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। मतलब यू आर ओके, दैट्स रियली गुड। और बहुत अच्छी बात है कि जो मसाइल हैं वो साथ ही खड़े होकर बात हो जाए। देखिए पीछे से बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑन स्पॉट, मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन साहब मौजूद हैं, खारादर से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, लियारी के भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने काम करवाया क्लिफ्टन का। यहाँ आप मुझे थोड़ा बताएं क्लिफ्टन के ब्रिज का क्या हाल है? क्लिफ्टन के ब्रिज जो है असल में जो है KDA जो इसके अंडर में है, और वो जब पानी बारिशों का जब भर जाता है तो उनके पंपिंग जो है वो मेरे ख्याल है जो बंद हो जाती है या क्या वर्क नहीं करती, तो जिसकी वजह से जो है वो पानी उसमें भर जाता है, और फिर ये हमारी मशीनरियाँ और कुछ PDM के पंप जो है वो लगते हैं वहाँ पर, तो उसको क्लियर कर देते हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि हो जाता है वो क्लियर। अच्छा ये एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ कि यहाँ पर टावर पे थोड़ा बहुत पानी ज़रूर था, लेकिन खारादर से आज जो हालिया हमारी गुज़िश्ता बारिश हुई उसमें उतरता हुआ दिखाई दिया और साफ पानी था, तो इस वजह से इस पर भी अप्रिशिएट करूँगी। एक थोड़ा सा पब्लिक से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, स्पेशली बारिशें जो हो रही हैं कुछ सालों से, वो जो है बकराईद के करीब के दिनों में जो है वो शुरू हो जाती हैं, आमतौर पर बकराईद के दिनों में बारिश होती है, और ये हम लोग जो है हमें शौक है कि जानवरों के नीचे जो है हम बालू मिट्टी जो है वो बिछा देते हैं, और उस वो जब बारिश होती है तो वो सारी मिट्टी बहकर जो है वो हमारी सीवरेज की लाइनों में ढक्कन उठा देने की वजह से जो है वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके साथ घास कूड़ा और ये सब भी थैलियाँ वैलियाँ जो है ये सब बहकर डस्टबिन में, उसमें तो ओझड़ियाँ तक निकली हैं। कल मैंने देखा है कि बाकियात निकल रहे थे, तो वाकई आप लोग थोड़ा सा आप भी केयर करें इदारों के साथ साथ। हमारा सीवरेज पंपिंग स्टेशन है CPS, बहुत मॉडर्नाइज्ड पंपिंग स्टेशन है, कंटिन्यूसली 860 HP की मोटरें जब से बारिश हुई है नॉन स्टॉप चल रही हैं, ये पानी हमारे सिस्टम में आ रहा है और हम वहाँ से उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कम हो जाएगा अगर इसका पानी आना बंद हुआ, लेकिन वो पंप हमारे 100% एक बात बताऊँ को डिस्ट्रिक्ट साउथ सीवरेज पंपिंग पे है, और अल्लाह का शुक्र है कि एक भी पंप अनएक्टिव नहीं है, कंटिन्यूस लियारी में रनचोर लाइन में जमीला पंप हमने इनको ऑन रखा हुआ है, लाइट नहीं आ रही तो हमने हर पंप पे जनरेटर हैं जो उसका अल्टरनेट करते हैं। हाँ लाइट का अल्टरनेट जनरेटर नहीं होता क्योंकि जनरेटर कम उठाता है, लाइट से हम ज़्यादा पानी उठाते हैं, लेकिन हमने पंपिंग स्टेशन हमारे कोई बंद नहीं हुए। बहुत अच्छी बात यह है कि जो अहदेदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ की लाइंस डलने से भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा, और जो लोग इलाकों के हिसाब से काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि लोग भी थोड़ा एहतियात करें। और जाहिर सी बातें देखें हुकूमत पे आप अगर अपना मलबा डालें तो आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो आप खुद लेकर जाते हैं अस्पताल, आप तब जो है वो इंतज़ार नहीं करते कि कोई और एम्बुलेंस आएगी और उठा के लेके जाएगी, या सरकारी एम्बुलेंस आए तभी हम अपने बंदे को अस्पताल लेके जाएंगे। तो जब गंदगी होती है तो आप अपने तौर पे भी सफाई करें, क्योंकि जो इलाका वाइज लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। और आज हमने बड़ी डिटेलिंग बात की है, जिनकी कोताहियां थी उन्हें वो भी दिखाई, जिनसे बात की जिनको अप्रिशिएट करना था सभी कुछ आपके सामने था। अहदेदारों का यही कहना है कि अब जो बारिश होगी इंशाल्लाह वो वेल हमारे लिए होगी, क्योंकि हम भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का जो निज़ाम धरम भरम हुआ था उसमें लाइंस का काम शुरू हो गया है। तो अब देखना ये कि आने वाले जो सिलसिले हैं बारिश के मानसून के स्पेल आगे बहुत इंतज़ार
इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख को भी एक स्पेल की पेशगोई की गई है, तो देखेंगे कि क्या अब सूरत हाल ओल्ड सिटी एरिया की चेंज होती है या नहीं। लेकिन इन टच रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आगाह जरूर कीजिएगा कि किस इलाके में क्या मसला है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। घर बैठ के सिर्फ अपनी तजवीजें पेश ना करें, जरूर बताएं उस जगह पर जाकर, उस जगह पर काम करके आपको आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।